सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल मिस्टर एंड मिसेस माइंड ब्लोइंग। आज हम आपको दिखाने वाले हैं शिव मंदिर, काली मंदिर और राधा कृष्ण मंदिर। ये है बेसिकली सीआर पार्क में, इसको चित्तरंजन पार्क बोलते हैं, बंगाली मार्केट, 4 नंबर मार्केट के पास और नियर बाई पड़ता है पुलिस थाना, सीआर पार्क का पुलिस थाना। इसके पास आप आएंगे, मंदिर थोड़ा ऊंचाई पे है, अच्छा लगेगा आपको देखने में। और यहाँ आएंगे तो आपको एक शांति या सुकून भरा महसूस होगा, मन में शांति होगा और सुकून मिलेगा आपको, कोई भी टेंशन कुछ भी नहीं रहेगा दिमाग में। इस मंदिर में एक आशीर्वाद है, आप आएंगे आपको फील ज़रूर होगा। सर बेसिकली हम आए थे तो हमें भी फीलिंग ऐसा ही लगा। अब मंदिर का व्यू आप देख रहे हैं, ये बेसिकली यहाँ पे पूजा वगैरह होता है, आपका घर का कुछ पूजा वगैरह होता है यहाँ पे, कोई 13वीं 14वीं का जो पूजा वगैरह होता है तो उसका पूजा यहाँ पे बुक कर सकते हैं। मंदिर ये है बेसिकली, ये है राधा कृष्ण मंदिर। हम पहले आपको राधा कृष्ण मंदिर दिखाएंगे, उसके बाद आपको दिखाएंगे काली मंदिर। अभी तो भीड़ नहीं है, ऑफ टाइम है, बट दुर्गा पूजा के टाइम और भी पूजा होता है, काली पूजा, दुर्गा पूजा, जिसको दिवाली बोलते हैं, हमारे बंगाली में काली पूजा बोलते हैं, लक्ष्मी माता का पूजा, और उसके बाद रथ यात्रा, सब कुछ पूजा यहाँ पे प्रोग्राम किया जाता है। सरस्वती पूजा अच्छे से होता है यहाँ पे, खिचड़ी, खाने का प्रसाद, और बेसिकली भोग तो आपको डेली मिलेगा काली मंदिर पे। और ये मंदिर बहुत अच्छे तरीके से बना हुआ है, इसके दीवार में बहुत अच्छे अच्छे मूर्ति को तराशा गया है, बहुत अच्छा कारीगरी किया है। इसके हर पिलर में, हर दीवार में आपको ये आपको देखने को मिलेगा डिज़ाइन। ये देखिए, ये एंट्री गेट है कृष्णा मंदिर का, आपको हम दिखा रहे हैं, ये देख रहे हैं कितना अच्छा बनाया है वॉल पे, पिलरों पे। आप आएंगे बहुत अच्छा लगेगा आपको, शांत, एकदम शांति सुकून भरा मंदिर, बहुत अच्छा लग रहा था मेरे को आते ही। आप देखेंगे यहाँ पे हर टाइम पंडित होते हैं, आप प्रसादी लेके आइएगा, आपको जो मन करे वो प्रणामी दीजिए, चाहे 1 रुपये दीजिए, चाहे 10 रुपये दीजिए, चाहे 100 रुपये दीजिए, उसके अकॉर्डिंग आप प्रसाद दे दीजिए और प्रणामी ऊपर रख के अपना नाम और गोत्र लिख के दे दीजिएगा, पंडित जी आपको पूजा करके आपके हाथ में देंगे। आप ये देख रहे हैं दीवार में कितना अच्छे से तराशा गया था, ये देखिए कृष्णा माखन चोरी कर रहे हैं और इनके दोस्त गाय, सब चित्र बना हुआ है। आपको अगर डिटेल्स में मैं दिखाना चाहूँगा तो बहुत टाइम लगेगा, इस कौन सा रूप कृष्ण ने धारण किया था वो सारे चीज़ें यहाँ पे तराशा गया है, और तरसने बार जो तरसा जो तरह से है उनका नाम भी मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखिए हर पिलर में भी कितना सुंदर डिजाइन में बनाया है, ये सारे सीमेंट से बना हुआ है डिजाइन, आप देख सकते हैं कितना बढ़िया है। यहाँ पे एक मंदिर से दूसरे मंदिर पे आप जा सकते हैं, 3 मंदिर है, मैं आपको दिखाऊंगा धीरे धीरे। ये देखिए विश्वजीत मजुमदार ने किया है, बहुत अच्छा बनाया है। ये देखिए काली मंदिर, श्यामा काली है, हम बेसिकली जो नीला पेंट होता है माँ की, उनको हम श्यामा काली बोलते हैं, बहुत अच्छा है माँ काली, आप देखिए कितना अच्छा है, कितना सुंदर है माँ काली, ठीक है। इनको भी आप प्रसादी लाके माँ को चढ़ा सकते हैं, माँ के चरणों में प्रणामी आपके जो भी मन करे वो आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ के पंडित आपको ऐसा नहीं मांगते हैं, जो इतना चाहिए उतना चाहिए, ठीक है, आपका जो दिल करे वो आप दीजिए और प्रसादी बना के लेके जा सकते हैं। अगर आपको भोग चाहिए होगा तो एक दिन पहले आपको रात को 7 या 7:30 या 7:15 बजे आके आपको एक पर्ची कटवाना पड़ता है, ठीक है। ये दीवारों के पेंट मैं आपको दिखा रहा हूँ और बाकी डिटेल्स मैं आपको समझा रहा हूँ, अगर मैं आपको ज़्यादा डिटेल्स में समझाऊँगा
सॉरी ज़्यादा डिटेल्स मैं आपको दिखाने की और समझाने की कोशिश करूँगा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। मैं शॉर्ट वीडियो में आपको सारे कुछ बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपको भोग चाहिए होगा तो पिछले शाम को आके, पिछले दिन शाम को आके आपको पर्ची कटवा के ले जाना पड़ेगा। जितने भी आपको भोग का थाली होता है, एक थाली में आपको पुलाव मिलेगा, ठीक है, मीठा पुलाव, और एक सब्जी मिलेगा आपको, और एक आपको खीर मिलेगा। बहुत अच्छा टेस्टी बनाते हैं भोग, ठीक है। हम बेसिकली भोग बुक कराने के लिए आए थे, तो इतना अच्छा मंदिर है तो दिखाना तो बनता है, हमारा चैनल है तो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे आपको मैंने आपको राधा कृष्ण मंदिर दिखा दिया, उसके बाद आपको काली मंदिर भी दिखा दिया। आप देखिए शिव मंदिर, शिवलिंग बहुत प्यारा है। यहाँ पे शिवरात्रि वाले दिन में बहुत ज़्यादा भीड़ होता है, बहुत ज़्यादा भीड़, बहुत। आप यहाँ पे खड़े होने का जगह भी नहीं मिलेगा, इतना भीड़ होता है इस मंदिर में। बट अगर आप दिन में आएंगे तो आपको बढ़िया थोड़ा बहुत खाली मिल जाएगा, लेकिन फिर भी भीड़ रहता है। आप जो भी मांगेंगे पूरा होता है, मनस्कामना जो भी होता है आपका वो आपका पूरा होगा। देखिए कितना बढ़िया शिव मंदिर है, आप देख सकते हैं, और इतनी साफ़ सुथरा मंदिर भी है, बहुत अच्छा साफ़ सुथरा करके रखे हैं। ये देखिए कितना सुंदर शिवलिंग, देखिए, ओह मज़ा आ गया कसम से, बहुत अच्छा लगा मेरे को शिव मंदिर को देख के। शिवलिंग इतना अच्छा लग रहा है, निखर के आ रहा था पूरा एकदम। और सारे मंदिरों के सामने, पीछे, साइटों में, सब जगह आपको पेंटिंग मिलेगा, तरासा हुआ दीवार में, ठीक है, बहुत बढ़िया आपको लगेगा। आप देखेंगे, कम से कम आप टाइम लेके आइएगा, एक डेढ़ घंटे का पूरा घूम के देखिए, बहुत मज़ा आएगा आपको। यहाँ आपके आपको रहने के लिए गेस्ट हाउस भी मिल जाएगा इसी मंदिर में, अगर कोई बाहर से आ रहे हैं कोई, यहाँ पे आपको रहने के लिए गेस्ट हाउस भी मिलेगा, बहुत कम प्राइस में मिलेगा आपको गेस्ट हाउस, ठीक है। ये देखिए कोई बाहर से लोग आएंगे तो यहाँ पे गेस्ट हाउस भी बना हुआ है, आप गेस्ट हाउस में रह सकते हैं। मंदिर में आपको बहुत, मतलब क्या बोलूँ आपको, बहुत अच्छा मूर्ति वगैरह तराशा है, तो इतना आपको मज़ा आने वाला है। आप आइए और देखिए कितना अच्छा है। अब नियर बाई मैं आपको बता दिया, पहले एड्रेस बता दिया था, बेसिकली ये चित्तरंजन मार्केट पड़ता है, इसको शॉर्ट में सीआर पार्क बोलते हैं, सीआर पार्क, बंगाली मार्केट आप बोल सकते हो। और नियर बाई है चित्तरंजन सीआर पार्क पुलिस स्टेशन या चित्तरंजन पार्क पुलिस स्टेशन। आप आइए और काली मंदिर का मज़ा लीजिए, काली मंदिर, शिव मंदिर और राधा कृष्ण मंदिर। देखिए कितना सुंदर लग रहा है, मेरे को तो बहुत अच्छा लगा, शायद आपको भी अच्छा लगेगा। आप आइए, आके देखिए, आप लोग फैमिली के साथ आ सकते हैं, फ्रेंड्स के साथ आ सकते हैं। बाहर का व्यू भी बहुत बढ़िया है, आपको बैठने लायक पार्क भी मिल जाएगा सामने। देखिए ये ठंड में पूरा फ्लावर्स भर जाता है यहाँ पे, थोड़ा सा और ठंड का मौसम आएगा तो आपको फ्लावर देखने को मिलेगा, बहुत अच्छा फ्लावर, पूरा फ्लावर का बगान बना देते हैं ये लोग। मंदिर को हम दिखा रहे हैं आपको अच्छे से, ये देखिए बहुत ऊँचे ऊँचे मंदिर है, आप देखिए सीढ़ियाँ भी, और इतना अच्छा लगेगा दूर से, लुक बहुत अच्छा लगेगा। आप आइए देखिए फैमिली के साथ और मज़ा लीजिए। अगर आपको हमारे चैनल के वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ प्लीज़ आप लोग लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए, आगे आपको और भी वीडियो हम दिखाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।